और चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की करते हैं। बिल्कुल, और उसमें भी बात हल्द्वानी की करेंगे। वहां पर दिखा है आग का तांडव। हल्द्वानी में कूड़े के ढेर में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और इसकी चपेट में एक दुकान भी आ गई। और आग पर काबू पाने के लिए दमकल दस्ते को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के चंद कदम की दूरी पर यह घटना हुई, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए हल्द्वानी की, आग का तांडव देखिए, कूड़े के ढेर में लगी आग। और अब देहरादून से आपको एक बड़ी जानकारी दे, अपहृत नाबालिग बच्चा पुलिस ने बरामद किया है। 1.5 लाख की रकम पुलिस ने बरामद की है साथ ही, और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक फरार बताया जा रहा है। और फरार आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ने छापेमारी की है, जारी है ये छापेमारी। बच्चे के पड़ोस के रहने वाले बताए जा रहे किडनैपर, फिरौती की वजह से किडनैपिंग की घटना बताई जा रही है। तो देहरादून से खबर, फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है, पड़ोस में ही रहते हैं किडनैपर्स, ऐसी आशंका। और दिल्ली में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होने जा रही है, आज ये अहम बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और चुनाव सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। मीटिंग में चुनाव की रणनीति और टिकट बंटवारे समेत कई अहम चुनावी मुद्दों पर मंथन होगा। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी में तीर्थ पुरोहितों और व्यवसायियों ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बाजार बंद रखने का फैसला किया। साथ ही गंगा घाटों पर होने वाली पूजा भी बंद रखने का ऐलान हुआ है। बिल्कुल, गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके विरोध में गंगोत्री बाजार बंद रखा जाएगा, साथ ही जुलूस प्रदर्शन कर विरोध भी दर्ज किया जाएगा। गंगोत्री धाम मंदिर समिति समेत तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों ने एक बैठक बुलाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे कि तीर्थ पुरोहित अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिसका अब तीर्थ पुरोहित अपने अधिकारियों को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं और अपने अधिकारों को लेकर जमकर विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। चलिए आपको सीधा अब हम गंगोत्री लिए चलते हैं। दिग्वीर सिंह बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है फिलहाल। दिग्वीर, 30 अक्टूबर तक के वक्त की बात कर रहे हैं तीर्थ पुरोहित और वो कह रहे हैं कि बाजार बंद रखेंगे, क्या आपको इसमें पैशन दिखाई दे रहा है, इस विरोध में कितनी तीव्रता है और क्या ये सिर्फ आज ही दिखेगा या इसका प्रभाव आने वाले दिनों में या यात्रा के बाकी बचे वाले दिनों में रहने वाला है? जी देव, आपको बता दूं उत्तर गंगोत्री धाम में जो तीर्थ है और आज से उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि पूरे जो गंगोत्री धाम में प्रतिष्ठान है, जो व्यापार मंडल है, पूरा बंद रहेगा। और ठीक 10 बजे जो कि जुलूस प्रदर्शन के साथ गंगोत्री में देवस्थान के बोर्ड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद जो देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पे पूजा अर्चना माँ गंगा के दर्शन करने आते थे, उनकी पूजा की जाती थी। जो तीर्थ पुरोहित है वो गंगा घाट पे पूजा अर्चना करते थे, तो ये इसी को लेकर जो कि पूरा विरोध है। और जो तीर्थ पुरोहित है उनका कहना है कि हम लोग किसी प्रकार की कोई पूजा नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक बार फिर गंगोत्री धाम में जो तीर्थ जी देखिए, अब जो जिस तरह से उनको देवस्थानम बोर्ड की जो लड़ाई है काफी लंबे समय से चल रही है, तो अब ये देखना होगा कि जो तीर्थ पुरोहित की लड़ाई और सरकार की इसके साथ है, तो अब जो कितना आगे तक जाता है। और जो लंबे समय से जो तीर्थ पुरोहित मांग कर रहे हैं, हमारी जो मांग है देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर दिया जाए, लेकिन जो कि कल तक आश्वासन सरकार से मिला था, लेकिन आश्वासन न मिलने के बाद जो कि अब तीर्थ पुरोहित उग्र हो चुके हैं। ठीक है दिग्वीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आप कह रहे हैं कि आश्वासन मिला था 30 अक्टूबर तक, लेकिन चूंकि उस वक्त तक देवस्थानम बोर्ड को जो है वो भंग नहीं किया गया, तो ये विरोध शुरू हो गया है और उन्होंने कह दिया कि अब वो किसी भी पूजा पाठ के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। ये देखिए,
तीर्थ पुरोहित गंगा घाटों पर पूजा पाठ बंद रखेंगे। बोर्ड के विरोध में, देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बाजार भी वहां पर बंद रहेंगे। ये बड़ा विरोध। वहीं दूसरी तरफ गंगोत्री धाम में कपाट बंद करने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 5 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और इस दौरान मां गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा में 6 महीने तक रहेगी और शीतकाल के दौरान वहीं पर मां गंगा की पूजा अर्चना होगी। कपाट बंद करने की तैयारियां शुरू गंगोत्री धाम में। अब 6 महीने तक मां गंगा का प्रवास माना जाता है कि इस धाम में नहीं होगा। उधर बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में भी कपाट बंद करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 6 नवंबर को केदार धाम के कपाट बंद होंगे और 20 नवंबर को बद्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। चार धाम यात्रा संपन्न होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए श्रद्धालु चार धाम के लिए पहुंचे। दो तस्वीरें, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम। 6 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं, 20 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं आने वाले 6 महीने। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाबा केदार के प्रति आस्था जग जाहिर है और ऐसे में एक बार फिर से पीएम मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 5 नवंबर को पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और पीएम मोदी यहां से कई करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे, साथ ही वो शंकराचार्य के समाधि स्थल का भी लोकार्पण करेंगे। तो बेहद अहम कार्यक्रम है। 5 नवंबर को उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री होंगे और केदारनाथ धाम पहुंचेंगे जहां पर वो बाबा के दर्शन करेंगे। और कुमाऊं के लोगों के लिए अच्छी खबर है, अब उधम सिंह नगर में भी एम्स के सैटेलाइट सेंटर को मंजूरी मिल गई है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एम्स के सैटेलाइट सेंटर को मंजूरी मिल गई है और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इसके लिए पीएम मोदी से मांग भी की थी, जिसे केंद्र सरकार ने पूरा भी कर दिया। और अभी तक उत्तराखंड में ऋषिकेश में ही इकलौता एम्स है, जिससे कि मरीजों का दबाव काफी रहता है, मगर इस बड़े अस्पताल की जरूरत कुमाऊं में भी महसूस हो रही थी। उधम सिंह नगर में एक सैटेलाइट सेंटर एम्स की एक शाखा खोलने का जो निर्णय किया है, निश्चित रूप से जो उस क्षेत्र में काफ़ी स्वास्थ्य सेवाओं की काफ़ी कमी थी, जिसका अनुरोध मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से किया था, उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए वहाँ पर एक सैटेलाइट सेंटर एम्स का खोलने का निर्णय किया है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं लोगों को तत्काल मिलेंगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मैं कहूँ कि अभूतपूर्व परिवर्तन वहाँ पर होगा, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। और चलिए अब आपको धुआंधार अंदाज में दिखाते हैं तमाम खबरें। चलिए शुरू करते हैं। कोटद्वार में सैनिक सम्मान के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूथ कांग्रेस ने जताया विरोध, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम को काले झंडे दिखाए। आज बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। रुड़की पहुंची आम आदमी पार्टी के रोजगार गारंटी यात्रा, पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल हुए शामिल, कर्नल कोटियाल ने निकाला रोड शो। रुड़की में आपके सीएम उम्मीदवार अजय कोटियाल का बयान, जैसे दिल्ली में आप पार्टी ने करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड में लोगों को करके दिखाएंगे। मसूरी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भाजपा विधायक गणेश जोशी के घर के बाहर प्रदर्शन, विधायक से मांगा 4.5 सालों के हिसाब कार्यों का हिसाब और भाजपा पर महंगाई बेरोजगार का आरोप लगाया। देहरादून में कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, घसियारी योजना और शराब के मुद्दे पर गौरव बल्लभ सरकार को घेरते नजर आए। और अब बात अयोध्या में होने वाली भव्य दीपोत्सव की तैयारियों की करेंगे, जो कि जोर शोर से चल रही है। ये 5वां दीपोत्सव है और इसे पहले के मुकाबले और ज्यादा भव्य और ज्यादा दिव्य बनाने की तैयारी है। वहीं इन तैयारियों के बीच सीएम योगी काबुल की नदी का जल चढ़ाने अयोध्या पहुंचे और दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा भी लिया।
अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी। रामलला पर सीएम योगी ने चढ़ाया काबुल नदी का जल। 7.5 लाख दीपों से जगमग होगा अयोध्या धाम। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। खुद सीएम योगी अयोध्या के भव्य दीपोत्सव का जायजा ले रहे हैं कि इस बार अयोध्या का दीपोत्सव भव्य होने वाला है, क्योंकि इस बार 7.5 लाख दीपों से अयोध्या के घाटों को रोशन किया जाएगा। वहीं दीपोत्सव की तैयारी के बीच सीएम योगी काबुल नदी का जल लेकर अयोध्या पहुंचे, जिसे अफगानिस्तान की एक लड़की ने राम जन्मभूमि पर अर्पित करने के लिए भेजा था। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे अफगानिस्तान की एक बालिका के द्वारा भेजे गए जल को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि अफगानिस्तान के काबुल में एक बालिका तालिबान के आतंक के साए में रह रही है, लेकिन उसने वहां से काबुल नदी, यानी जैसे अयोध्या में सरयू जी है वैसे काबुल में काबुल नदी है, तो काबुल नदी का जल भेजा है कि राम जन्मभूमि में हम सब की तरफ से इसको अर्पित करवाएगा। आपको बता दें कि अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। पूरे अयोध्या धाम को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इस बार गोबर से बने दीयों से राम नगरी को रोशन करने की तैयारी है, जिन्हें स्वदेशी कारीगरों ने तैयार किया है। दीपोत्सव देखने के लिए देश के ही नहीं बल्कि विदेशी मेहमान आने वाले हैं, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या के दीपोत्सव को लेकर लोगों में कितनी उत्सुकता है। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। और अब जया आपको बताने जा रही है कि तमाम जो बड़े राजनेता हैं उनके क्या कार्यक्रम हैं आज। बिल्कुल राजेंद्र, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आज अहम दौरे क्या रहने वाले हैं। तो लगातार चुनावी मौसम में राजनेता जो है वो लगातार दौरे कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, और इसीलिए आपके लिए जान लेना जरूरी है कि वो नेता, बड़े राजनेता, जाने माने चेहरे आज कहाँ का दौरा कर रहे हैं, और इसके लिए हम जया का रुख करें। जी राजेंद्र, बता दें अपने दर्शकों को कि आज जो अहम कार्यक्रम रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो हापुड़ में है। हापुड़ में आज भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक सम्मेलन आयोजित होगा, और इसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, महामंत्री संगठन सुनील बंसल शामिल होने वाले हैं। सम्मेलन का आयोजन सुबह 11 बजे किया जाएगा और आने वाले चुनावों में विजय की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज जो अहम एक कार्यक्रम होने वाला है कांग्रेस की तरफ से, वो लखनऊ में होने जा रहा है। लखनऊ में राजस्थान कांग्रेस के विधायक सचिन पायलट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पूर्व कैग विनोद राय के कांग्रेस नेता संजय निरुपम से माफी मांगने के मुद्दे पर कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज लखनऊ में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस मुद्दे पर अपनी बातें रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें निषाद पार्टी का भी आज बेहद अहम कार्यक्रम है। लखनऊ में निषाद पार्टी का कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने निषाद पार्टी और विधान परिषद सदस्य प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक हलचल को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और उधर बात की जाए तो उत्तराखंड में भी आज बेहद अहम कार्यक्रम है राजेंद्र। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे और नौगांव में कृषि उपज बाजार समिति का वो शिलान्यास करेंगे। सीएम दोपहर 3:15 बजे राजकीय इंटर कॉलेज नौगांव में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम भी आज होने वाला है। तो उत्तराखंड में भी सीएम का बेहद अहम कार्यक्रम है। इसके अलावा बात करें तो आज बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। तो मदन कौशिक आज बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। मदन कौशिक सुबह करीब 11:05 पर बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे और सबसे पहले यहां पर वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो ये तमाम जो खबरें हैं, ये तमाम जो कार्यक्रम है आज अहम रहेंगे, जिस पर दिन भर हमारी नजर होगी राजेंद्र। तो बिल्कुल धन्यवाद जय, आपने बताया कि उप मुख्यमंत्री का आज कहां दौरा होने वाला है, आपने सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया, और तमाम दौरों के बारे में जय आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और चलिए अब आपको राजेंद्र दिखाएंगे आज कौन से नेता हैं और उनका
फिट रहने का, हिट रहने का फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल ठीक आपने जया, वो सेगमेंट जो लोगों को बहुत पसंद है, वो सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। और यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मी है, जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती भी है, लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं? यानी नेता जो फिट हैं वो हिट हैं। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, और फिट रखने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। और इसी क्रम में आज हम दिखाएंगे योगी सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री और गाजीपुर सदर से विधायक संगीता बलवंत का फिट रहने का फॉर्मूला। प्रातःकाल उठ के मैं अपने कमरे का सफाई स्वयं करती हूँ, और उसके बाद कुछ नियमित योगा मैं करती हूँ, और योगा करने के बाद अपने यहाँ छोटी सी बागवानी है, वहाँ पर मैं पेड़ पौधों की गुड़ाई करती हूँ, पानी देती हूँ। और दूसरा एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि अपने फिटनेस को लेकर मैं कैसे सही रहूँ, इसके लिए मैं कभी भी फिश का पानी नहीं, मैं घड़े का पानी अपनी यूज करती हूँ, और भोजन बहुत ही मैं हल्का लेती हूँ ताकि अधिक से अधिक कार्य किया जा सके। मैं समय अनुसार 15 से 20 मिनट का योगा करती हूँ, जैसे कि सूर्य नमस्कार है, कपाल भाती है, और तमाम वो योगा जो अपने शरीर को फिट करे उसको मैं अपने में सम्मिलित कर, और काफ़ी देर तक मैं कार्य कर पाने में अगर सक्षम हूँ तो नियमित योगा के कारण। सुबह सुबह नाश्ते में घर में जो भी कुछ बना रहता है, जो नियमित नाश्ता बनता है, जैसे पोहा हो गया, चाय के साथ वो ले लेते हैं, या कभी कभी भुजिया रोटी ले लेते हैं, और जब क्षेत्र में निकलते हैं तो किसी कार्यकर्ता के घर जो प्रेम से मिल जाता है उसे हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, और काफ़ी हल्का भोजन लेना मैं पसंद करती हूँ। देखा आपने संगीता जो है वो क्या करती हैं, कैसे अपने आप को फिट रखती हैं और कैसे फिट बनी रहती हैं। योग करना जो है उनकी दिनचर्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, क्योंकि दिन भर व्यस्त रहना होता है और जनता के बीच रहना होता है, इसलिए आपको फिट भी रहना होता है।